एक वाले को मतलब 3-3 हजार बीघों के, 35-35 बीघों के, एक दस दस कितने हजार का ये निर्माण में लगा है। मतलब अब देखो ये अडानी ने जो विकास विनाश किया था माँ भगवती के, हम तो यहाँ जाकर के माँ से अरदास करते थे कि माँ भगवती उनको पहुंचे, ये कल ही उसका सत्यानाश हुआ है। तो ये चीज माँ भगवती करेगी, ये तो 100% है। अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। तो ये चीजें बचाना बहुत प्रकृति के रूप में रहने दे। अब एक बार आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये जैसलमेर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और ये गांव का एरिया है। पीछे आप देखेंगे तो बड़े बड़े ये वायर के झुंड दिख रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी जगह तो इससे भी ज्यादा है। आपको चार चार पांच पांच लाइन से चलती हुई लाइनें दिख रही है। आप जैसे जैसे जैसलमेर की ओर बढ़ते हैं आपको वायरों का झुंड और पवन चक्कियां दिखती रहेगी। ये विकास के लिए जरूरी है पर प्रकृति के विनाश के साथ नहीं। जैसलमेर की गोचर और ओरण को सोलर और ऐसी कंपनियों के द्वारा उनकी जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। इन जमीनों की रक्षा के लिए और यहाँ के वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति समर्पित है जिनका नाम है सुमेर सिंह जी सावता। सुमेर सिंह जी से मिलना हुआ। कम हाइट है पर जुनून ही उतना बड़ा है इनका। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व है सुमेर सिंह जी सावता। गो सेवा को और गायों की रक्षा के लिए समर्पित है ये व्यक्ति। इनसे मिलकर जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार भाई, जय गो माता जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। दोस्तों बहुत सारे गाय के वीडियो बनाता हूँ, गाय की जानकारी देता हूँ, महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और पूरे देश की गायों के बारे में आपको बताता हूँ। एक बड़ी समस्या है, गोचर खत्म हो रही है और गोचर का नाश हो रहा है और गोचर बचाने वाले योद्धाओं से मिलाना मेरे लिए आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गोचर बचाने के लिए काम किया है। जय माता जी। आप रो परिचय तो आप ही दे रहे हो, हालांकि सब लोग जानते हो भी आप। मेरा नाम सुमेर सिंह है और मैं एक छोटा सा गांव है जैसलमेर के अंदर सावता गांव, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा एक यही था कि हम पशुपालन से पीढ़ियों से सदियों से चला आ रहा है और हमारे यहाँ गोचर भूमियाँ जो ओरण भूमियाँ ये हमारे से सुरक्षित थी और यहाँ के लोगों का ये भाव था कि इन चीज़ों को बचाए रखना, पूर्वजों का भाव था। लेकिन धीरे धीरे ये कुछ विकास की आड़ में जो विनाश की विपरीत यहाँ जो चल रही विकास चल रहा है वो विकास हमारे प्रकृति को प्रकृति के रूप में रहने दे। अब एक बार आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये जैसलमेर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और ये गांव का एरिया है। पीछे आप देखेंगे तो बड़े बड़े ये वायर के झुंड दिख रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी जगह तो इससे भी ज़्यादा है। आपको चार चार पांच पांच लाइन से चलती हुई लाइनें दिख रही है। तो ये जहाँ हम खड़े हैं, एक इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, गोरण क्या होती है और ये विकास कैसा और क्या हो रहा है इसके बारे में बताइए। देखो ये मंदिर देगरे मंदिर है जहाँ अपन खड़े हैं, ये कम से कम 1300 साल पुराना मंदिर है और ये जो यहाँ 7 बहनों का मंदिर है, तेंबड़े तनोट घंटियाली और भादरिया राय और एक जो खोड़ियार महात्मा का मंदिर गुजरात में, इनका मंदिर है। और यहाँ ये जो ओरण है, ओरण क्या होता है जो गोचर ही समझो, ओरण एक ऐसा शब्द है जिसमें देवभूमि जो होती है, जैसे अपन पूर्व में जाएंगे देवभूमि बोलते हैं, जिसकी देवी देवताओं की संरक्षित भूमि जिसमें पशुधन चराओ और उसकी भी एक पत्ता तक काटते नहीं है, इसको पेड़ काटते नहीं है, उसको मतलब संरक्षित रखते हैं इस जमीन को। और ये पशुधन के लिए और यहाँ प्रकृति के लिए ही ये जमीन रहती है। कितने बीघे की है ये? ये 60,000 बीघा की है। 60,000 बीघा की है। और यहाँ कम से कम 35 तो बड़े तालाब हैं इसके अंदर, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। और इसमें 65 किलोमीटर की ऐसे राउंड में ये परिधि है, हम परिक्रमा भी देते हैं। और हमारी ओरण की जो यहाँ मैं पहले क्या था, यहाँ बाहर था मैं, यहाँ से दक्षिण भारत में कर्नाटक में रहता था, लेकिन वापस मुझे मेरे पिताजी यहाँ इस ट्रस्ट के थे, सदस्य थे और उन्होंने भी ये कार्य किया ओरण के लिए। और हमारी जो इनकी ट्रस्ट की टीम थी उन्होंने भी किया था और मैं यहाँ वापस आया तो मैंने ये जो यहाँ का ये विकास की तरफ जो यहाँ पेड़ पौधे, ये विकास कैसा विकास है
मुझे विकास नहीं लग रहा है। विकास जो होता है वो प्रकृति को नष्ट करके ये नहीं होना चाहिए। जैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़, अभी आपने जो उत्तराखंड वाला अभी सुना ही होगा, हाँ, जोशीमठ जिसमें वो समझो कि उसके साथ वहाँ पर्वत थे, सब चीजें थी, लेकिन यहाँ ये पर्वत नहीं है, लेकिन ये प्रकृति यहाँ पे भी है। प्रकृति यहाँ, हाँ, जो ये पेड़ पौधे हैं, तालाब है, और यहाँ का जैसे पुराने धरोहर है, ये सब नष्ट करने से ये खत्म हो जाएंगे। और जैसे पेड़ पौधा, यहाँ की शुद्ध हवा, वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ उन्होंने इसको रिजेक्ट भी किया। अब क्योंकि हमारी जो आवाज़ जा रही है ऊपर, तो वहाँ से कई लोग आ रहे हैं, फॉरेनर लोग आए थे, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया यहाँ रुक करके इस वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ की जो शांति, इस जगह की शांति वर्ल्ड में कहीं नहीं, इससे बढ़कर के। तो फिर क्या, उन्होंने ऐसी चीजें रिकॉर्ड की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तब हमारे भी कुछ आंखें खुली की, जो पूर्वजों ने इसको संजोए रखा है और माँ भगवती ने जो इस चीज को संजोए रखा है, कुछ तो इसमें है, तब ये जीवित है, और इसको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये पक्षी जो दिख रहे हैं, ये सारी नहीं, इसमें कुछ विदेशी भी है, जैसे वो यहाँ आज नहीं है, डेमोशील क्रेन बोलते हैं, कुर्जा, कुर्जा भी आता है। हाँ, तो कुर्जा यहाँ कम से कम 1500 की संख्या में रहती है। तो अब दूसरे तालाब है, उस तालाबों पर गई। ये डक्स है, बतख है, तो इसमें कई अलग अलग बतख है। वो एक ब्लैक कलर का ब्लैक, सही में जैसलमेर में खड़े लग रहा है दोस्तों आपको, जैसलमेर में खड़े। और यहाँ ये विनाश क्यों है कि ये जो लाइन्स बिच रही है, तो ये बहुत सारे प्लांट यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, ये प्लांट होना चाहिए, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन जो विकास है उसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से जिस जगह पे करना है, तो उस जगह को आप चिन्हित करो, उसको आप प्रकृति को भी मत छेड़ो, उसको भी बचा के रास्ते को मत छेड़ो। जैसे 40% सोलर पे और ये ऊर्जा पे का जो जोर दे रहे हैं सरकार दे रही है, हम चाहते हैं कि उसके बिना डेवलप नहीं हो सकता देश, लेकिन 40% एक ही डिस्ट्रिक्ट को मत आप डैमेज करो। जैसे बीकानेर और जैसलमेर को डैमेज किया, तो भारत में ऐसे कई स्थान पड़े हैं, जैसे सोलापुर, कोल्हापुर, कर्नाटक जाओ, वहाँ पर्वत पड़े हैं, उसमें कोई घास भी नहीं उगता है, तो वहाँ लगाओ। ये चीज एक ही जगह, यहाँ कितना लगा दिया प्लांट अभी तक, क्या है यहाँ? तो कम से कम इस ओरण के पास में भी कई प्लांट बड़े बड़े, मतलब 3000 बीघों के, 35 बीघों के, 10,000 का ये नेडान में लगा है। मतलब अब देखो, ये अडानी ने जो विकास विनाश किया, तो माँ भगवती के, हम तो यहाँ जाकर के माँ से अरदास करते थे कि माँ भगवती उनको पहुँचे, ये कल ही उसका सत्यानाश हुआ है। तो ये चीज माँ भगवती करेगी, ये तो 100% निकालेगी। तो ये चीजें बचाना बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि हाँ, गौ माता यहाँ से कम 10,000 गायें इसके अंदर निर्भर है, इस ओरण के ऊपर, और 10,000 गायें, हाँ, निर्भर है। और भेड़ बकरी कम से कम 1,00,000 के लगभग है, 50,000 भेड़ है, 50,000 बकरी इसके अंदर निर्भर है, 5,000 जो हिंदुस्तान का सबसे मोस्ट कैमल के लिए, ऊँटों के लिए जो माना जाता है, ये ओरण है जहाँ 5,000 एक ही पंचायत में ऊँट है, 5,000 एक पंचायत में ऊँट, इतना कहीं नहीं है। भाई मैं तो कैमल के ऊपर काम कर चुका हूँ, तो यहाँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है 5,000 एक पंचायत के अंदर। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपने ये बीड़ा क्यों उठाया, देख रहा हूँ आप एकदम, और अभी भी ये मेरा तो एक ही है कि मैं 5 साल हो गए मुझे, अब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो मुझे ये त्याग किया हुआ है कि मैं, मुझे आज कुछ न कुछ प्रकृति के लिए कुछ न कुछ, चाहे 2 घंटे निकालो, लेकिन निकालना ही है। मैं मेरे जीवन में 2 घंटे दिन को प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए, जीवों के लिए, जब कोई घायल होता है तो उसको मैं रेस्क्यू करके खुद मेरी गाड़ी से मैं पहुंचाता हूं, और मैं सब चीज़ जीव के प्रति मेरा ये भाव है कि मैं, मुझे देने वाला ऊपर वाला है और वो देगा। अभी हम आए यहाँ पे, तो आप कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर थे। मैं वहाँ रेस्क्यू करने गया था, एक पक्षी वहाँ घायल था, तो उसको मैं रेस्क्यू करने गया था। मैंने हालांकि पूछा आपसे कि भी आपको व्यस्त नहीं है, क्योंकि आपका जो भाव है, पर आप हाथों हाथ मतलब आधे पौने घंटे में अपनी बाइक स्पीड से चलते, जैसे भी आप बता रहे हैं, आपका धन्यवाद है। एक मेरा एक लगाव और था गोडावण के प्रति यहाँ पे, हालांकि सारे पक्षी, पर गोडावण हमारा राज्य पक्षी भी है और उसके प्रति भाव था। अभी गोडावण का क्या स्थिति है यहाँ पे? गोडावण का स्थिति ये है कि अभी उसकी संख्या बिल्कुल कम रही है और वो निरंतर घटता जा रहा है। क्या कारण उसके घटने के? उसके कारण ये है कि जो वो एक शर्मिला पक्षी है, बहुत शर्मिला पक्षी है, वो हलचल ज्यादा होने से वो वहाँ ठहर नहीं पाता है।
तो अब जहाँ अपने हर जगह देखो व्हीकल ज्यादा हो गए, मशीनरी ज्यादा हो गई और लोग भी हलचल ज्यादा हो, वो शांत इलाकों में से बड़े बड़े ओरणों में रहना पसंद करता है। तो यहाँ ये ओरण नहीं रहेंगे। अब जैसे उसको ब्रीडिंग सेंटर में रखेंगे अपन, बच्चा उनका पैदा करके बड़ा करेंगे तो छोड़ेंगे कहाँ, जगह तो चाहिए अपन। हाँ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन वो अभी संख्या उसकी, उसके ऊपर बहुत सख्त ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कि अभी यहाँ इसी ओरण के अंदर ये एक स्मारक बनाया हुआ मैंने, हाँ मैं देखा। हाँ, तो हमें बड़ा दुख होता है उसको देख करके, क्योंकि यहाँ दो गोडाउन खत्म हुए इसी ओरण के अंदर, फिर इतने तो बचे, इतने तो बचे, फिर और 8 गोडाउन 2-3 साल में खत्म हो गए हमारे आंखों के सामने। विकास जरूरी है कहते हैं, पर प्रकृति के विनाश के साथ नहीं, विनाश के साथ नहीं। प्रकृति को अपने स्तर पे, अब यहाँ हम खड़े हैं, ये आनंद है, तो क्या हम वो लाइट सोलर से जो लाइट आ रही है गाड़ी घोड़े या चला रहे हो, ये जो पक्षियों का आनंद जिस दिन हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या हम जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी भाई। कितने ये शांत प्रिय जो जीव है वहाँ से झीलों से प्लान करके यहाँ आते हैं और यहाँ उनको ये आश्रय स्थल मिलता है, तो अगर ये जगह नहीं रही तो फिर वो कई किलोमीटर से आते हैं, कई किलोमीटर से सही बात की आपने। और ऐसा पक्षी नहीं है, मैंने इसी 5 साल के अंदर 220 का आंकड़ा, 223 का आंकड़ा हमने पहुँचाया है इसकी एंट्री करके, और अभी भी वन बैग के पास में वो भी आंकड़ा नहीं। आप ये कैमरे से मतलब पूरा कलेक्ट करते रहते हैं? मैं इस चीज को, जो कोई नया पक्षी आया तो उसको मैं खींच लेता हूँ, और जैसे कोई प्रकृति के साथ विनाश करता है तो उसका भी कलेक्ट करता हूँ, मेरे पास प्रूफ रहेगा। तो कई आप पे हमला करने वाले ऐसी चीजें नहीं होती है? आप लोगों और माँ भगवती का आशीर्वाद है, जिनने किया वो अपने आप चले गए, उनका रास्ता अपने आप उन्होंने किए थे, लोगों ने परेशान किया था, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला, माँ भगवती अपने आप का रास्ता। आपकी जो हाइट और चीजें उस, आप जो उससे 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं, माँ भगवती का आशीर्वाद है, वो करेगी और वही अपने उनका रास्ता क्लियर करेगी जो करेगी। तो अभी आपके प्रयास क्या क्या चल रहे हैं इसको और उनको बचाने के लिए, वो बताएं। पैदल परिक्रमाएं हम दे रहे हैं, और अभी हमारी रन फॉर ओरण थी, यहाँ से एक जो वायु सैनिक थे वो यहाँ से दौड़ करके कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए गए थे, और हम पैदल 50 किलोमीटर, हाँ 50 किलोमीटर 3.5 घंटे में उन्होंने यहाँ से जिसमें पहुँच गए थे। अब हम ये करते, अभी ओरण उत्सव ही था इससे पहले, उसमें सबसे बेटर तो ये था कि ओरण की चीज़ें जैसे कैर सांगरी जो हिलारिया कुमटिया बोलते हैं, ये चीज़ें हम ओरण में कलेक्ट करके वहीं बनाया हमने, और वहीं हमने जो बाहर के लोग थे उनको मैं हमने खिलाया, तो वो बहुत बड़े चाव से उन्होंने जीमा, और रात को हमें भजन संध्या गांव की जो कल्चर की जो थी वो प्रोग्राम उनके सामने रखे, तो ओरण उत्सव भी हमने स्टार्ट किया। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये, कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए ओरण उत्सव कुछ एक अच्छी, ओरण बचेगी तभी गाय बचेगी और प्रकृति बचेगी, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। और जैसलमेर में हमने अभी 292 किलोमीटर का पैदल पूरे जैसलमेर में मार्च किया था, हर गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए। लोग जागरूक होते हैं क्या? मुझे तो नहीं, देखो दिखता नहीं। देखो अभी तो क्या है, अपनी समस्याओं में घसीते हैं। हाँ, वो जागरूक होंगे लेकिन तब तक ये सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जागरूकता क्योंकि आप बुजुर्ग जागरूक है लेकिन बुजुर्ग जागरूक कर नहीं रहे, हम बातें सब, आप टीवी वीडियो देख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, सब बातें कर पाते हैं, पर ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तब आगे बढ़ने की हिम्मत किसी की होती नहीं है, तो सब बढ़ेंगे तभी कोई चीज हो सकती है। जब भी विनाश करते हैं उनका, हम सरकार भी तो क्या, हम ही तो है सब चुनने वाले करने वाले, अपनी है सरकार, कहाँ है तो सरकार में कौन, अपने ही बैठे हैं, यहाँ से चुन करके तो गए हैं वो, सरकार तो ऐसी है। ये चीजें अपन खुद को सोचना चाहिए कि ये चीजें अपन को बचानी है, बचानी है, तभी हिम्मत करेंगे तभी। अब ये ओरण के इसमें अलॉटमेंट भी हो गई थी कुछ जगह, लेकिन माँ भगवती ने हमें आगे किया, आज वो सब टूट गई, कैंसिल। तो ये माँ का जो प्रकोप, और जब इंसान कुछ निष्ठा के साथ अगर उठ जाए, जब आप चाह के कुछ चीज करते हो तो चीजें अपने आप होती है, उसमें चाहत सही होनी चाहिए, बात ये। बहुत बहुत धन्यवाद है सुबह आपका, आपके जैसे भाविक लोगों के कारण ये प्रकृति बच पाएगी, और ये जो विकास हो रहा है जरूरी है, पर प्रकृति के विनाश के साथ जरूरी नहीं, प्रकृति को उसके स्तर पर रहने दो, वो अपने आप अपना सृजन कर लेगी। सब चीजें
जो है गाय हमारी माँ है, लेकिन उनके लिए जगह रखना बहुत जरूरी है। जगह रखते ही नहीं ना, हाँ। नहीं तो देखो यार, दूसरे राज्य में जाकर के सड़कों के ऊपर गाय है ही नहीं, सब है ही नहीं है, जो भी घर सड़कों पे बैठी सड़कों पे, हाँ क्या ये जगह है इनके लिए, प्रकृति ने बचा के रखी है। आज अंदर जाएंगे तो घास है, तो अंदर ही पानी है, तो अंदर ही बैठी आराम से, कोई रोड के आना जरूरी नहीं है, क्योंकि जंगल है तो जंगल में बैठी है आराम से। तो हम भी बहुत बड़े खुश होते हैं, जहाँ रात पड़ती है तो वहीं बैठी रहती है, और उसका जो ये घास का जो दूध है और घी यहाँ का, वो आज डिमांड सभी जगह सभी जगह सभी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सर।